हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक विच नेम इज़ टाइप्स ऑफ नंबर्स। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के टाइप्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों हम जो भी काउंटिंग लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, है ना, हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जो काउंटिंग का यूज़ करते हैं, है ना, उनको हम एक डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, ये सभी डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर्स होते हैं। और बच्चों नंबर्स के अपने अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हमने कुछ कैटेगरीज में नंबर्स को डिवाइड किया है, आइए पढ़ते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी विच नेम इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर विच मीन्स प्राकृतिक संख्याएँ, है ना, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। आइए इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दीज आर द नंबर्स दैट यू फर्स्ट लर्न हाउ टू काउंट विद। दे इंक्लूड ऑल पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो। बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है, वे नंबर, वे डिजिट्स जिनको हम काउंटिंग के रूप में याद करते हैं, है ना। जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम सबसे पहले मैथ्स सीखते हैं, तो मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है, काउंटिंग से होती है, है ना। तो सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, तो वो काउंटिंग जिसके अंदर हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते, जिसमें हम ज़ीरो को नहीं जोड़ते, क्या हम अपनी काउंटिंग ज़ीरो से लिखना स्टार्ट करी थी हमने? नहीं। हमेशा जो फर्स्ट क्लास के बच्चे आपने देखे होंगे, सेकंड क्लास के देखे होंगे, नर्सरी के देखे होंगे, वो वन से स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग, है ना। तो वन से स्टार्ट की जाने वाली काउंटिंग को, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और ये सभी ज़ीरो से बड़ी संख्याएँ होती हैं, है ना, सबसे ज़ीरो से बड़ी डिजिट होती है। तो वन से लेके और 10, 100, 1000, 10 lakh आगे जितनी भी हम बढ़ते जाएंगे, वे सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड है हमारा होल नंबर्स। दे आर बेसिकली द नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। जो नंबर्स, जिन नंबर्स के अंदर हम ज़ीरो को प्लस कर देते हैं, मतलब ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो होल नंबर्स कहलाते हैं। होल मतलब पूरा, सारा, है ना। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। होल नंबर के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को यूज़ नहीं करते, फ्रैक्शंस को यूज़ नहीं करते और डेसिमल्स को भी यूज़ नहीं करते। बच्चों नेगेटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर्स ज़ीरो से भी पहले आते हैं, है ना, जैसे -1, -2, -3, है ना, एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते, ना ही नेचुरल नंबर्स में आते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस पता है आप सभी को, 2/3, 5/6, है ना, 10/2, ये सभी फ्रैक्शंस फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं, ये भी होल नंबर्स में नहीं आते। और डेसिमल्स, डेसिमल्स मतलब पॉइंट वाले जो डिजिट होती हैं, जैसे 2.0, 5.6, 2.1, ये भी होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंसेस क्या है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स मतलब पूर्णांक हो सकती हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन सभी होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। दिस इज़ द केस ऑफ ज़ीरो। लेट्स सी दिस इन अ डायग्राम। एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखो जो ब्लू कलर से क्लाउड बना है बड़ा वाला, वो है होल नंबर, और उसके अंदर बनाए गए हैं नेचुरल नंबर, है ना। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर है ना, वन से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन
होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम नंबर्स के और टाइप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।